हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग लॉरेंस। दोस्तों, रिसेंटली एक पिटीशन डाली गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेडिशन लॉ या फिर राजद्रोह के कानून को लेकर के। ये वही सेडिशन लॉ है जिसके चलते आज बहुत सारे लोग जेल के अंदर पड़े हुए सड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग उनमें ऐसे हैं जिन्होंने कोई गुनाह किया भी नहीं है। मैं उसी सेडिशन लॉ की बात कर रहा हूँ जिस सेडिशन लॉ को कभी ब्रिटिशर्स यूज़ किया करता था, जिसमें महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक को भी अरेस्ट किया गया था। मैं उसी सेडिशन लॉ की बात कर रहा हूँ। तो ये सेडिशन लॉ क्या है, इसकी क्या कंट्रोवर्सी है और पिटीशन में क्या डाला गया है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूँ। वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं 124A सेडिशन लॉ, या आप कह सकते हो राजद्रोह कानून। ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति के द्वारा बोले गए वर्ड या फिर उसके द्वारा लिखे गए कोई शब्द कुछ भी ऐसा इंडिकेट करते हों जिससे लोगों के अंदर दंगा भड़कने से चुनी हुई सरकार को गिराया जा सके, तो वहाँ पर इसको अप्लाई किया जा सकता है। और अब इन्हीं सारी चीज़ों के चलते सुप्रीम कोर्ट के अंदर आई है पिटीशन। यानी हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एनवी रमन्ना, उन्होंने भी इसको कॉलोनियल लॉ बताया है। यानी उनका कहना है कि ब्रिटिशर्स इनको इंडिया के जितने भी एक्टिविस्ट हुआ करते थे उनके ऊपर लगाया करता था ताकि वो आज़ादी की आवाज़ ना उठा सके। आज़ादी की आवाज़ को दबाने के लिए ब्रिटिशर्स ये इंडियंस के लोगों के ऊपर इसको यूज़ किया करता था। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यहाँ पे लेटर लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट को और पूछा है क्या अब भी इस ब्रिटिशर्स लॉ की इंडिया को ज़रूरत है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैलिडिटी है उसको चैलेंज करता है। यानी एक आम इंसान को जितने भी मिले हुए अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट है, ये सब उनको अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाता है। यानी कोई भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, इसीलिए ये मिसयूज़ किया जाता है। और इसके चलते ही यहाँ पे पिटीशन डाली गई है कि इसके ऊपर एक बार फिर से सोचना चाहिए। दोस्तों, इस सेडिशन लॉ को या इस राजद्रोह का जो कानून है इसको देशद्रोह के कानून से कंपेयर करना, कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये अलग कॉन्सेप्ट है। ब्रिटिशर्स की IPC में भी ये वर्ड नहीं था। आप लोगों को याद होगा 1857 में जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट वॉर हुई थी, ब्रिटिशर्स को लगा था कि इतनी बड़ी मात्रा में जो लोग इकट्ठा हुए हैं, अगर फिर से ऐसा हो गया तो हम लोगों को यहाँ से जाना पड़ जाएगा। तो लोगों को कंट्रोल करने के लिए 124 सेक्शन में अमेंडमेंट किया गया, उसके अंदर 124A को जोड़ दिया गया और उसके अंदर इसकी जितनी भी धाराएं हैं IPC हैं उनको वहाँ डाल दिया गया, इसकी पूरी डेफिनेशन को वहाँ डाल दिया गया, जिसको 1870 से लेकर के 1947 यानी आज़ादी तक, जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था तब तक ब्रिटिशर्स ने खूब इसका इस्तेमाल किया। बाल गंगाधर तिलक को लेकर के, भगत सिंह को लेकर के, महात्मा गांधी, जितने भी फ्रीडम फाइटर एक्टिविस्ट थे सबको अरेस्ट कर लिया गया, ताकि वो जो भी आज़ादी की आवाज़ उठाया करता था उसको इस धारा के चलते अरेस्ट कर लिया करते थे। और 1947 के बाद ये और ज़्यादा क्रिटिकल होने लगा। 1897 बाल गंगाधर तिलक, उनका एक न्यूज़पेपर था केसरी, उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उसमें कुछ लाइनें प्रिंट की, जिसके चलते ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर ये सेडिशन लॉ लगा दिया। फिर ऐसे ही 1908 में उनके ऊपर दोबारा फिर से यही एक्ट लगा दी गई। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है, जो फादर ऑफ पाकिस्तान है वो मोहम्मद अली जिन्ना, वो यहाँ पर एडवोकेट थे इनके लिए, लेकिन ऑपोजिशन बार बार इसको रिजेक्ट करता रहा, ब्रिटिशर्स ने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों, 3 बार इनके ऊपर इस एक्ट को लगाया गया है, 2 बार इनको इसके लिए जेल में जाना पड़ा। और इनके बाद भगत सिंह या जितने भी फ्रीडम फाइटर थे जो आज़ादी के लिए आवाज़ उठाने वाले थे, उन सबको इस एक्ट के चलते अंदर डाल दिया गया। यहीं पर ही महात्मा गांधी जी जो इनके बाद में मूवमेंट को संभालने लगे, जैसे रॉलेट एक्ट हुआ या फिर जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उनके बारे में आवाज़ उठाई, लोगों के लिए आवाज़ उठाई, तो इनको भी ब्रिटिशर्स ने उस एक्ट के चलते अरेस्ट कर लिया और जेल के अंदर डाल दिया था, जो कि खुद एक लॉयर थे सब। अब जैसे ही 1962 आता है, देश भी आज़ाद होता है, ये और क्रिटिकल बनता जाता है। यानी फिर 1962 में इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एक केस आया था केदारनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके चलते इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना, एडमिट किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल इसकी परमिशन तो देता है, यानी संविधान इसकी इजाज़त तो देता है कि ये कानून होना चाहिए, सेडिशन लॉ होना चाहिए, पर इसका मिसयूज़ होने की कोई परमिशन नहीं देता है, लोगों के ऊपर इस लॉ को लगा करके इनको बेवजह अंदर डाल दिया जाए। फिर 1973 में आती हैं इंदिरा गांधी, उन्होंने इसको कॉग्निजेबल बना दिया। यानी हमारे पास 2 टाइप ऑफेंस होते हैं, एक कॉग्निजेबल, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें 124A लगने पर पुलिस को ज़रूरत नहीं पड़ती वारंट की, वो जा करके किसी को शक की बुनियाद पे बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं, जिसमें पुलिस को वारंट की ज़रूरत पड़ती है किसी को अरेस्ट करने के लिए। दोस्तों, अगर आपकी आइडियोलॉजी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के है, बट आप उसको थोड़ा सा साइड में रख के इमेजिन कीजिए, सोच कर देखिए, क्या इस देश को आतंकवादियों से खतरा है, या फिर स्टूडेंट से, जर्नलिस्ट से, एक्टिविस्ट से, इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट से, राइटर से, या डॉक्टर से खतरा हो सकता है। इसी चलते बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अरेस्ट किया गया है।
शर्म तो सबसे बड़ी ये बात की हो गई कि 80 ईयर्स ओल्ड यानी 80 साल के एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया और उसके ऊपर एलिगेशन भी ये लगाया गया कि ये प्रधानमंत्री को मारने की साजिश कर रहे थे, जिसको ठीक से सुनता भी नहीं है, उनको वैसे सुनता भी नहीं था। एक ऐसे इंसान के ऊपर साजिश की एक लगा करके उनको अंदर डाल दिया गया, जिससे उन्होंने बार बार अपील की, जिंदा तो शायद वापस नहीं आ सके लेकिन मरने के बाद वो वापस आ गए थे। और लोग भी हैं जैसे दिशा रवि, पटेल, विनोद, उमर खालिद और लोग, ऐसे बहुत लोग हैं जो अभी तक जेल में सड़ रहे हैं, जिनका निकलने का कोई नाम नहीं है इस एक्ट के चलते। इसको थोड़ा ब्रिटिशर्स से कंपेयर करके देख सकते हैं दोस्तों। ब्रिटिशर्स जो आज़ादी के लिए आवाज़ उठाते थे, लोग अपने देश को आज़ाद करना चाहते थे, उनके ऊपर इस एक्ट को लगा करके अंदर डाल दिया करते थे। अगर इसी तरीके से आज का कंपैरिजन करोगे आप, इस तरीके से गवर्नमेंट का मिसमैनेजमेंट रहा है कोविड के अंदर, पैंडेमिक के अंदर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आवाज़ उठाई और बहुत लोगों के ऊपर यहाँ पे इसी एक्ट को लगा दिया गया। यानी सरकार चाहती ही नहीं है कि कोई हम लोगों के अपोज बोले, अगर बोलेगा तो इससे उसका स्वागत किया जाए। दोस्तों इसको समझने की थोड़ा और कोशिश करें तो गवर्नमेंट वर्सेस सिटीजन, अगर गवर्नमेंट और सिटीजन को देखा जाए तो दोनों के बीच में जो गवर्नमेंट है उसके पास वायलेंस की पावर होती है। यानी अगर वो चाहे, जैसे फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, CNRC का प्रोटेस्ट चला था, इसके चलते बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी किया गया था। यानी सरकार को लगता ही नहीं है कि हम लोगों के खिलाफ ऐसी बातें बोली जानी चाहिए जो उनको अपनी बाइस से टच हो जाती है और बहुत सारे लोगों को बिना किसी वजह के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों वैसे भी महात्मा गांधी जी ने कहा है कि राजद्रोह जो है वो हमारा कर्म है, हमारा धर्म है, हमारी ड्यूटी है, उसे हमें सरकार के खिलाफ करते रहना चाहिए। दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फर्दर वीडियो पाने के लिए अगर मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट कीजिएगा, जिससे मुझे बड़ी हेल्प मिलती है और मैं फ्यूचर में आप लोगों के लिए और मोटिवेशनल, एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बना सकूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।